स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर होने के बाद तेज प्रताप यादव ने लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ। ओवर टू यू मौसमी। जी शुक्रिया सईद। जहां खबर है वहां आज तक है और जिस तरह से पिछले 5 दिनों में एक शख्सियत जिसने पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत में कहिए ये खलबली मचाई, शासन और प्रशासन तंत्र के पसीने छुड़ा दिए, वो शख्सियत जिसके स्टैंड से जिसके रुख से प्रशासन को यू टर्न लेना पड़ा, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी की महासचिव हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका आज तक में स्वागत है आपका। जी आज आप वाल्मीकि बस्ती गई थी लखनऊ में। वाल्मीकि बस्ती में आप गई, आपने झाड़ू लगाई और निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पे। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता आपको अपनी जगह दिखाएगी, आपको झाड़ू ही क्या मतलब आपकी, आप वही डिजर्व करती हैं। हाँ, तो मैं इसलिए उधर गई क्योंकि ये मेरे प्रति एक निंदनीय बयान नहीं है, ये बयान उन करोड़ों सफाई कर्मचारियों के प्रति, उन करोड़ों महिलाओं के प्रति जो हर रोज़ सुबह अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, उनके प्रति, हमारे दलित भाई बहनों के प्रति जो ये काम अक्सर करते हैं, उनके प्रति है ये बयान। और अगर एक मुख्यमंत्री की ये मानसिकता है जो एक जातिवादी मानसिकता है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको इस लायक बनाया है कि आप झाड़ू मारें, इसका क्या मतलब है? तो मैं वहाँ इसलिए गई, वाल्मीकि मंदिर में मैंने झाड़ू इसलिए लगाया ये दिखाने के लिए और उनको समझाने के लिए कि ये गलत मानसिकता है। लगातार स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता अभियान छेड़ा, श्रमदान किया, तो तंज योगी आदित्यनाथ किस पे कस रहे थे? क्योंकि महात्मा गांधी ने भी सादगी और स्वच्छता का, उनसे पूछिए, उनके बयान को सुनकर तो ऐसे लगता है कि एक छोटा काम है, गंदा काम है। इसमें कौन सा गंदा काम है, क्या छोटापन है इसमें? क्योंकि पिछड़े और गरीब तबके के एक बड़ा समुदाय है जिसका जो बयान दिया है, उनको अपमानित किया है और इस तरह से मुख्यमंत्री जी मंच पे बैठकर एक पूरे तबके का अपमान करें, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पूरे लखीमपुर खीरी इंसिडेंट पे अगर हम लोग आए तो लगातार आप आक्रामक रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात दोहरा दी जो आप कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम संतुष्ट नहीं है यूपी सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या 302 अगर दूसरों पर होती है तो आप इसी तरह से कार्रवाई करते हैं, अभी भी अमित मिश्रा फ्री है, तो वही बात सुप्रीम कोर्ट दोहरा रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? जब मैं उन परिवारों के पास गई तो एक बात बहुत साफ निकली जी, उनको सरकार की तरफ से 45 लाख का मुआवजा मिला है, छत्तीसगढ़ पंजाब की सरकारों की तरफ से भी 50-50 लाख का मिलने वाला है। वो कहते हैं हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अब आप मुझे देश और दुनिया में एक ऐसा मिसाल दिखा दीजिए जहाँ पे एक अपराधी को कत्ल का, जिस पर कत्ल का इल्जाम लग रहा है, उसको पुलिस निमंत्रण देती है कि आप आकर हमसे बात करिए, एक समझ देती है कि आप आइए। एक ऐसा मिसाल आपने कभी भी इस देश में देखा है या किसी दूसरे देश में देखा हो? तो अगर अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि सीबीआई में हम जांच नहीं दे सकते क्योंकि एक शख्सियत इसमें इन्वॉल्व्ड है। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी कैबिनेट में वो मंत्री है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनको बर्खास्त करने को, फिर भी इंतजार हो रहा है, क्यों इतने इम्पोर्टेंट है अजय मिश्रा? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, कैसा संदेश जा रहा है इस पूरे हादसे के बाद जो आपकी सरकार, यहाँ की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ आए लखनऊ, आपने इस एक शब्द नहीं बोला इस पर, आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। अब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके गृह राज्य मंत्री जो पिता है इस अपराधी के, वे खुद बयान दे रहे हैं कि वो वहां नहीं था, जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहां थे, जो पत्रकार वहां पे कुचले गए हैं
उनकी उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है, सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। आप बेसिकली देश को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, अमीर हैं या भाजपा के नेता हैं, तो देश में आपके लिए न्याय है। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, तो आपके लिए न्याय की संभावना है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि एक नैतिक जिम्मेदारी जो शासन में होता है, जो कोई नई चीज नहीं है, ये पुराने हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है। जो राजा शासक शासन करते थे उनकी भी परंपरा है कि कोई जिम्मेदारी ले, अगर कुछ गलत हो तो जिम्मेदारी ले कोई। पर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। योगी जी ने भी कहा कि भाई ऐसे हम अरेस्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, पर अजय मिश्रा कह रहे हैं कि हमारे बेटे जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कहीं भागे नहीं है, और कल का टाइम दिया है यूपी पुलिस ने। किसी हत्यारे को टाइम दिया जाता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप आके हमसे बात कर लीजिएगा। तो क्या बचाव की तैयारी कर रहे हैं उनके? बचाव की तैयारी नहीं है मौसमी जी, बचाव है पूरी तरह से। जब मैं कश्यप जी के घर जाना चाह रही थी, मुझे क्लियरली आईजी साहब ने ये कहा कि आप क्यों जा रही हैं वहां, उसको मार पीट करके उसको मारा गया है। जब मैं वहां गई तो उसके पिताजी ने मुझे फोटो दिखाई, उसके भाई ने मुझे फोटो दिखाई जहां पे गाड़ी के पहिए के निशान हैं, तारकोल के निशान हैं जो उसकी चमड़ी पे लगे हुए हैं। स्पष्ट है कि मारपीट से उसकी जान नहीं गई है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उस परिवार को दी गई है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक भी लफ्ज पढ़ा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? फोटोकॉपी की फोटोकॉपी है जी। तो एकदम हल्का करके दिया है, इस तरह से दिया है कि किसको, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगले परिवार में जब मैं गई कल बहराइच में, वो मुझे बता रहे थे कि इस कंडीशन पे उन्होंने बॉडी दी पोस्टमार्टम के लिए कि दो परिवार के सदस्य पोस्टमार्टम के दौरान वहां मौजूद हो सकेंगे। लेकिन जब वो वहां गए, उनको एक दूसरे कमरे में बिठाया गया और उनको कोई इजाजत नहीं दी गई। उसका जो चाचा है उस लड़के का, वो मुझे बता रहा था कि हमें इतना भी यकीन नहीं है कि ये एक्सरे एक्चुअली हमारे भतीजे की है या किसी और की है। अब गुरविंदर की बात करिए जिनका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, कोर्ट में भी बोला गया है कि कारतूस तो निकली है पर लगा है कि नहीं, तो लगा। अगर ये बचाव नहीं है और अगर इससे ये संदेश नहीं जा रहा है पूरी देश की जनता में कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि उनके मंत्रियों पर कोई कानून ही लागू नहीं है, और कुछ भी हो जाए वो मंत्री रहेगा, गृह राज्य मंत्री रहेगा, इस मामले में जांच नहीं होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये संदेश जा रहा है। ये जनता के लिए बहुत गलत संदेश है। क्या क्या परिजनों से आपने बात की? क्या वो भी डर में, उनको भी नजरबंद किया गया है आपने? देखिए, अगर आप पिछले 4-5 दिनों की जो सिलसिला रहा है, इसमें आप देखिए जितनी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट नाकाबंदी में, परिवारों की नजरबंदी में, और जो विपक्ष के नेता है उनको ढूंढने में, उनको रोकने में लगा है। ठीक है, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के नेता भी नजरबंद हैं, यहाँ पे भी हमारे बड़े नेता नजरबंद किए गए, अखिलेश जी भी नजरबंद किए गए, पूरी पुलिस ऑक्यूपाइड है इन फिजूल के कामों में। इसके बजाय आपको नहीं लगता कि जो अपराधी है, जो दूसरे लोग हैं जो अलेजिडली उस गाड़ी में उसके साथ थे, उनको अरेस्ट करने में लगना चाहिए पुलिस को? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वही लोग जो लोकल ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, उन्हीं की एसआईटी आपने गठित कर दी है, तो उनकी अगर आप एसआईटी गठित करेंगे तो वो क्या काम करेंगे? तो आप किस तरह की जांच चाहते हैं? सीबीआई जांच में अभी गृह राज्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि इसमें एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज के द्वारा ये जाँच होनी चाहिए, और तब भी अगर ये गृह राज्य मंत्री रहे तब भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि जो जानकारियां आएंगी जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या उस मौके पे कौन खड़ा था कौन नहीं था, ये सब लोकल पुलिस से जानकारियां आएगी। लोकल पुलिस आपको कौन करेगा? आप बताओ कौन सा अधिकारी करेगा? आपके मंत्री आपके सर पे बैठे हुए हैं, आप क्या निष्पक्ष कुछ भी दे सकते हैं उसके बेटे के खिलाफ? इतना तो मेरे ख्याल से हर एक नागरिक जानता है। प्रियंका जी, जब आप रण में उतरी, मतलब तो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी आपको देख रहे थे, और ये आरोप बार बार लग रहा था कि प्रियंका पॉलिटिक्स कर रही है इसमें, आप अंदर हिरासत में थी, आपने वॉइस मैसेज आगे भेजा। बताइए, एक देश में एक गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि वो गाड़ी के पहियों के नीचे 6 किसानों को उसने कुचला है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है?
आप बताइए, सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्या ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? कैसे? जो देश की जनता का दुख है, दर्द है, किसानों का दर्द है, कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल इशू नहीं है? हम पॉलिटिक्स में क्यों हैं? घर पे बैठकर सरकार की तारीफ करने के लिए? हम क्या सरकार चाहती है कि सब चुप रहे? इस डेमोक्रेसी में कोई ना बोले, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे, सारी जगह वही बोलते रहे, उन्हीं का प्रचार होते रहे, वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती। डेमोक्रेसी में अगर कुछ गलत हो रहा है और आप विपक्ष के नेता हैं और आप चुप बैठते हैं, तो आपको कोई बिजनेस नहीं है नेता बनने का। तो विपक्ष का मतलब क्या है? और सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत, आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, सिर्फ आप लोग नहीं लिख रहे हैं इसके बारे में, फॉरेन मीडिया भी आई हुई। क्यों आई है? अगर गलत नहीं हुआ है तो क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अब अगर आप जैसे लोग इसके बारे में सच्चाई नहीं दिखाएंगे, अगर हम जैसे लोग इन इश्यूज को उठाएंगे नहीं, अगर वहां जाकर दबाव नहीं डालेंगे सरकार पर, तो लीपापोती होगी, बात खत्म हो जाएगी। आज तक लगातार न्याय कैसे होगा? न्याय कैसे होगा? नहीं प्रियंका, आज तक लगातार हम खुद वहाँ पे थे, लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी थे, हम लोग ये खबर दिखा रहे थे और लगातार हम लोग ने कवरेज की है। तो ढाई दिन तक जब आप भीतर थी, एक मिनट के लिए आपको लगा कि शायद मैं वापस चली जाती हूँ? अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फोन नहीं था? एक मिनट के लिए फोन था जी, और मतलब इंटरनेट नहीं था सर? इंटरनेट, फोन सर्विसेज सारी काटती गई थी। लेकिन क्या लगा आपको भी जब आप हिरासत में थी और गिरफ्तार हुई थी? कुछ नहीं लगा, मुझे ये लगा कि यहाँ पे अगर 6 महीने रखना चाहते हैं, 1 साल रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ। इसमें कुछ भी, मुझे कुछ भी करें, इसका कोई, मुझे तो ये मुद्दा ही नहीं लगता, ये मेरे हिसाब से ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि अन्याय हो रहा है और बार बार हो रहा है। देखिए मौसमी जी, नई चीज़ नहीं है, हाथरस में हमने क्या देखा? पूरा प्रशासन और पुलिस विक्टिम की फैमिली के पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि विक्टिम का जो रेपुटेशन है उसको खराब करने की कोशिश की। फिर ये उन्नाव में हमने क्या देखा? मैं आपको बताती हूँ एक चीज जो मैंने पहले कभी नहीं कही जी। जो उन्नाव की विक्टिम एम्स में आई थी, मैं उसके परिवार से मिलने गई। आपको मालूम है मुझे क्या क्या दिखा वहाँ पे? जब मैं वहाँ गई तो मुझे रोका गया कि आप नहीं मिल सकती। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई ऑर्डर है आपके पास दिखा दीजिए। आप लोग नहीं थे, मीडिया के लिए नहीं था ये सब, कभी मैंने मीडिया में ये बात बोली भी नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ खड़ी थी और मैं वेट कर रही थी कि ये लोग अपने अफसरों को फ़ोन करके पता करें कि मैं, अगर मुझे अलाउ करेंगे उस प्रेमिसिस में, एम्स की जो साथ में एक बिल्डिंग है, उस प्रेमिसिस में उनकी मम्मी और उनकी बहन थी जी। हम ऐसे खड़े हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, पीछे से मुझे दरवाजे के थपथपाने की आवाज़ आई खूब ज़ोर से, और एक महिला की जैसे आवाज़ आई कि महिला कुछ कह रही है उत्तेजित होकर। तो मैंने कहा कि ये आवाज़ कैसे आ रही है? तो अफसर एक दूसरे को देखने लग गए, तो मुझे अचानक लगा कि इनको शायद बंद कर रखा है। तो मैं चलने लगी उस दरवाजे की तरफ, और वो बंदूक लिए हुए थे, वो जो गार्ड था वो ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, और पीछे से औरत थपथपा रही थी जोर से, हमें बाहर निकलने दो, बाहर निकलने दो। तो मैं थोड़ा सा आक्रामक हो गई, मैंने कहा आपको, आपने बंद कैसे कर लिया? आप अगर किसी की सुरक्षा के लिए यहाँ हैं तो आपने बंद कैसे कर लिया? तो यूं अपने हाथ को पीछे करके उन्होंने ऐसे ताला खोला दरवाजे का, और अंदर माँ और बहन थी और एकदम एजिटेटेड थी। तो मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने मुझे बताया कि उनको बंद रखा जाता है। तो मैंने कहा कि आपको कभी बाहर नहीं निकलने देते? नहीं, सिर्फ खाने के लिए हमें बाहर निकलने देते हैं। तो पूरा प्रशासन, पुलिस, सब कुछ सुरक्षा के नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर, आप बताइए कि क्या वजह है कि एक रेप विक्टिम की फैमिली को एक कमरे में बंद आप, और मैं 10 दिन बाद गई थी, 10 दिन बाद गई थी, क्योंकि मैं उसको बड़ा पब्लिसिटी इशू नहीं बनाना चाहती, सहानुभूति दिखाने गई थी। 10 दिनों से आपने वहां रखा था, बंद करके रखा था, और ये रेप विक्टिम की फैमिली है, उन पर क्या बीती ऑलरेडी? आप कह रहे हैं योगी सरकार ने यही चीज सोनभद्र में देखी। पुलिस प्रशासन एकदम आक्रामक था, किसके प्रति? विक्टिम के प्रति। और जिसने जो कांड किया है, जिसने वो हादसा, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ है, वो फ्री है। आज भी आप देख रहे हैं जो अक्यूज्ड है वो तो टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है। आप बिल्कुल श्योर हैं कि उन्हीं, वो थे मौजूद गाड़ी में? देखिए, श्योर हूँ या नहीं हूँ ये जांच में आएगा। अगर जांच निष्पक्ष है तो सच्चाई आ जाएगी,
मैं इतना कह सकती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जिससे बात की है, रिलेटिव से बात की है, जो वहाँ पे पत्रकार हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन आया है, उनसे ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि सब इस लड़के को पहचानते हैं, सब ने इसको देखा, वहाँ मौजूद था। में भी थोड़ी सी ग्रैब्स वगैरह है, उसमें भी कुछ दिख रहा है। अब मेरा ये कहना है कि मान लो ये इनोसेंट है, फिर भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर उनका बेटा अक्यूज्ड है और वो मंत्री हैं, उनके अंडर तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। रिजाइन करें, निष्पक्ष जांच कराएं। अगर उस जांच में ऐसा हो, बुलाया था अमित शाह ने, बुलाया था, अगर उस जांच में ऐसे निकले कि नहीं एक्चुअली ये गलती है, किसी और का, किसी और ने किया है, एक्चुअली ये बात निकले, फिर मंत्री बन जाना। लेकिन जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक जांच फेयर नहीं हो सकती है, निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है ना। जी, मेरा आखिरी दो सवाल, सब लोग कह रहे हैं जाने के लिए, प्रियंका आप जुड़ी हम लोग के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल है, आपने कहा पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे अखिलेश यादव है, उन्होंने भी, भाजपा ने जो एक नया सिलसिला निकाला है ना कि जो विपक्ष उनके खिलाफ बोलता है, जो इशू उठाता है वो राजनीति कर रहा है, वो इशू उठाए वो राष्ट्रवाद कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये एक मीडिया में एक पूरी प्रोपेगेंडा की है ताकि लोग चुप हो जाएं, ताकि लोग आवाज नहीं उठाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं तो चुप नहीं रहूंगी और ना कांग्रेस पार्टी रहेगी। अखिलेश लेट हो गए इसमें, कह रहे हैं कि मैं प्रियंका के बारे में नहीं बोलना चाहता, वो रूम में रहती हैं, कभी कभी निकलती हैं, उन्होंने ऐसा बोला इंटरव्यू में। तो उनको पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। लेकिन आपने 1.5 सालों से कब देखा है उनको सड़क पे, मुझे कहा, मुझे देखा है कि नहीं? मुझे हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, मुझे सोनभद्र में देखा, मुझे यहाँ देखा, अपने मेरी पार्टी को सड़क पे देखा। कोरोना के समय मेरी पार्टी ने सबसे ज़्यादा रिलीफ का कार्य किया। मेरी पार्टी लगातार जिलों में प्रदर्शन कर रही है, शहरों में प्रदर्शन कर रही है। उनकी पार्टी क्यों नहीं दिख रही है ज़मीन पे? क्योंकि वो कमरे में बंद रहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति अब सीमित हो गई है ट्वीट्स तक और अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने नेताओं से मिलना। तो आप सहमत है, योगी जी ने भी बोला कि वो 12 बजे निकलते हैं और अपने दोस्तों से, कुछ कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। मैंने उनका प्रोग्राम कभी देखा नहीं है, मैं नहीं कह सकती कि वो 6 बजे उठते हैं कि नहीं, ना मैं उनकी ऐसी आलोचना करना चाहती हूँ जब कोई वजह नहीं है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी, अगर मेरे बारे में कह रहे हैं तो ये सच्चाई तो आप सब देख ही रहे हैं ना, आप सब देख ही रहे हैं कि लड़ कौन रहा है, कि कौन नहीं लड़ रहा है पिछले, और ये नई बात नहीं है, पिछले 1.5 सालों से आप देख रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या उत्तर, दो सवाल पूछूंगी मैं, ये दो सवाल पूछूंगी प्रियंका बस। एक तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आपकी एंट्री हुई है, चुनावी मौसम है, सॉरी ये घटना हुई, पर मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा, आपको लगता है कि आपके लिए समर्थन इस पूरे मुहिम से बढ़ा है, किसानों में, गरीब तबके में, या उनकी आवाज? जी, और मैं ये जेन्युइनली सियासी फायदा में डायरेक्ट पूछ रही हूं, जेन्युइनली ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इन चीज़ों से परवाह नहीं है। मेरा यहाँ पे रहना, मेरी पार्टी का काम जो यहाँ है, जो मेरे संगठन का काम है, वो एक बहुत लंबा काम है। क्योंकि 32 सालों से हमारी पार्टी सत्ता में यहाँ नहीं रही है, इसलिए ये एक बहुत लंबा काम है और गहरा काम तो है। इंस्टेंट फायदा इसमें नहीं, इसमें कोई हल्कापन नहीं है, कोई हल्कापन नहीं है। और मैंने जिस तरह के हादसे अपने जीवन में देखे हैं, जिस तरह के की हिंसा की वजह से मैंने जो परिजन खोए हैं, मैं कभी किसी के दर्द को इस तरह से इस्तेमाल में कभी कर नहीं पाऊंगी। अगर मैं एक ऐसी महिला बन जाऊं कि दूसरे लोगों की दुख में, दूसरे लोगों को, कि लोगों के की परिस्थिति से मुझे, मैं फ़ायदा उठाने लगूं, तो मैं खुद का चेहरा मैं शीशे में नहीं देख पाऊंगी, मैं रात को नींद सो नहीं पाऊंगी। तो आखिरी सवाल मेरा इंदिरा गांधी पे है, इंदिरा गांधी का अक्स आपके कांग्रेस कार्यकर्ता देखते हैं आप में। आपने जब वॉइस ऑडियो मैसेज भेजा था बाहर, तो कई कार्यकर्ताओं ने बोला कि जैसे इंदिरा जी एड्रेस करती थी रेडियो पर, उसी तरह की आवाज़ थी, तो क्या उनसे आप प्रेरणा लेती हैं, क्या उनका जो स्टाइल है नेचुरल आता है, या देखिए जो चाहे इंदिरा जी हों, सोनिया जी हों, राजीव जी हों, उनके जीवन संघर्ष से, उनके जीवन से, उनकी जिस तरह से हत्या हुई मेरी दादी जी की और पिताजी की, उससे मैंने सीखा है। और मेरे जो मेरे असूल हैं वो मुझे उन्हीं से मिले, माँ बाप से मिले हैं और दादी जी से मिले हैं, बुज़ुर्गों से, अपने परिवार के बुज़ुर्गों से मिले हैं। तो वो असूल मैं अपने अंदर रखती हूँ, उन असूलों के मुताबिक, उन असूलों के प्रति मैं, मतलब
उन्हीं के मुताबिक मैं चलती हूँ जी, तो ये तो मेरी अंदर की बात है, मुझे कोई इसका कुछ पब्लिक में कहने की जरूरत नहीं है मुझे लगता। आप आज तक में हमारे साथ जुड़ी प्रियंका, आप ये नहीं कह सकती आज तक नहीं दिखाता है, हम लोग लगातार इस पूरी जी पूरी इस पूरी मूवी में हम लोग ने दिखाया। सबसे मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि आप सच्चाई दिखाया करो, मुझे मालूम है आप पर दबाव है, सबको मालूम है, अब तो सब पूरी जनता जानती है कि किस तरह से एक ही तरफा हमेशा एक न्यूज का साइकिल चलता है। मैं जानती हूँ कि दबाव है और मैं सिर्फ ये अनुरोध करती हूँ कि आप सच्चाई दिखाइए, हमारे पक्ष में नहीं, किसी और के पक्ष में नहीं, लेकिन जनता को सच्चाई जानने की का अधिकार है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपकी रैलीज होती रहेंगी, हम लोग रोड शोज और रैलीज में मिलते रहेंगे। शुक्रिया। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा थी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में। आज तक से प्रियंका ने पूरी लखीमपुर कांड और उस पर हो रही सियासत पर सईद हमसे बातचीत की, और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था सबसे पहले आज तक पर।